है 48 रुपये स्क्वायर रनिंग फिट के हिसाब से होता है। ये माइक्रो आपको पड़ेगा आपको 75 रुपये के हिसाब से। गैलेक्सी आपको ये रिटेलर रेट है, ये आपको 95 रुपये पड़ेगा। फैंसी कमांडो आपको 75 रुपये का पड़ेगा। तरवेला आपको 55 रुपये के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन के नाम से यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मलम नूर और आज मैं आया हुआ हूं मार्बल एंड टाइल्स की शॉप में। व्यूअर्स, आज मैं बताऊंगा कि आप मार्बल एंड टाइल्स का बिज़नेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसमें कितने मटेरियल की नीड होती है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट होती है और हम इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हमारे साथ इनके भाई मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने ये बिज़नेस किस तरह से शुरू करा और ये आज कितने मरहले पे मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सर जी क्या बिज़नेस कर रहे हैं आप? ये हमारा ग्रेनाइट का काम है, मार्बल है, इसमें किचन से लेकर स्टेप से लेकर सब चीज़ें वैरायटी वगैरह इसमें शामिल होती है। वो जैसे जैसे जदीद जिद्दत आती जा रही है, इस तरह लोगों के आसाइशें आती जा रही हैं, इस तरह ये चीज़ें आती जा रही है मार्केट में। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यही काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन के नाम से हमारा ये हसनैन मार्बल के नाम से हम ये काम कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको बिज़नेस करते हुए, कितना एक्सपीरियंस आपको इसमें? भाई तकरीबन हमारा काम करते हुए 10-12 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सीख रहे हैं। 10-12 साल के एक्सपीरियंस में आपकी क्या राय होगी कि अगर कोई नया बंदा हो, अगर जैसे हमारी यूथ जो होती है, हमारी जो बढ़ती हुई हमारी उम्र के जो लड़के वगैरह होते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो जॉब की तरफ जाएं या बिज़नेस करें? देखिए पढ़ाई तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको शऊर देती है, सेकंड आपको कारोबार, भले छोटा हो बड़ा कारोबार कारोबार होता है, आप काम करें जिससे आपका घर चले आपका चूल्हा जले, और अल्हम्दुलिल्लाह काम जितना भी करेंगे उतने लोगों का आपका नसीब जुड़ता है आपके साथ। तो ये काम बहुत अच्छा है, इसके अंदर इंसान सिर्फ मेहनत करे, अल्लाह ताला हर काम में बरकत डालता है, आप ईमानदारी से काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है सब कुछ। पर आपकी नज़र में यही है कि आप लोग ज़्यादातर लोग पढ़ें, हम लोग पढ़ें पर ज़्यादातर बिज़नेस को प्रेफर करें? नहीं, वो देखें पढ़ाई तो एक मेन चीज़ है, आप जो काम करें जिस तरह आगे जाके काम आ रहा है, जिस तरह आगे जाके दौर आ रहा है, तो बड़ी चीज़ें हैं कि आपको पढ़ाई तो आपको शौर देती है ना, कोई भी काम करते हैं अवेयरनेस के लिए आपकी जिद्दत चाहिए, आपको जिस तरह नॉलेज चाहिए, उसमें पढ़ाई का बहुत अहम किरदार है। कुछ लोग पढ़ते भी हैं लेकिन वो मेरी नज़र में पढ़ाई और कारोबार ये दोनों ही एक साथ होना चाहिए, वरना किसी एक को छोड़ देना एक जाती हो जाएगी किसी एक। बिल्कुल। अभी आपने सर इस शॉप में कितनी वैराइटीज रखी हुई हैं कि टाइल्स हो गए, किस तरह टाइल्स मार्बल और जितनी भी होम एक्सेसरीज की शॉप होती हैं, कितने क्या क्या वैराइटीज रखी हुई हैं हमारे पास? ग्रेनाइट के अंदर तकरीबन 56 इसमें आइटम हैं, टाइल नहीं होता हमारे पास, लेकिन ये कि ये ग्रेनाइट है, मार्बल है हमारे पास, जो वेरोना चाइना वेरोना भी नया आपको कैमरामैन दिखा पाएँ तो नया आर्टिकल आया है ग्रेनाइट का आर्टिफिशियल प्लस टू ये वो है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर बड़ी जिद्दत है, वो चीज़ वो आप कलरफुल हैं जिस तरह लोग चाहते हैं उनके किचन इनके कलरफुल हों, जिनके स्टेयर्स उसके स्टेप वगैरह उसके कलरफुल हों, तो वो सारी वैरायटी हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सॉरी टू से मुझे ये बारे में बताइएगा, ये टाइल है ये हमारा मार्बल कहलाता है? ये ग्रेनाइट कहलाता है, ग्रेनाइट मार्बल है कहलाता है, ये ग्रेनाइट मार्बल कहलाता है। तो आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या कहीं से आप ये माल वगैरह मंगवाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी फैक्ट्री है माशाल्लाह, बड़े बोर्ड पर हमारी चार शॉप में एक अपनी हमारी फैक्ट्री है, पांचवी शॉप ये हमारी मलीर के अंदर है, चार शॉप हमारी गोलीमार में, एक ये मलीर के अंदर हमारी है। हमारे किसी से परचेज नहीं करना होता, हमें खुद ही वो कर रहे होता है। तो आपकी शॉप अभी कहाँ आके? अभी ये मलीर सौदाबाद पर है, हम जहाँ खड़े हैं ये मलीर सौदाबाद, मलीर का कराची का बड़ा मशहूर एरिया है मलीर। तो ये एक दफ़ा आप इसको थोड़ा सा लोकेशन जो है ना वो सही तरह से गाइड कर दें ताकि हमारा व्यूअर्स को इस शॉप वगैरह के लिए और अपने घर के लिए सामान वगैरह ले लेना आना चाहे तो वो ईजी लोकेशन से आ सके, जो ईजीएस्ट लोकेशन हो वो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी ये मलीर का एक एरिया है, आरसीडी से अगर आप एयरपोर्ट से 10 मिनट के फासले पर हमारी शॉप है, मलीर का एरिया सौदाबाद मेन चुरंगी बहुत मशहूर है, उसके यू टर्न पे इमरान टाइल के बिल्कुल बराबर में हसनैन मार्बल के नाम से हमारी शॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर की आसाइश से लेकर हर चीज़ आपको इसमें मिलेगी, देखने को मिलेगी, और जिस तरह आप चाहते हैं घर के अंदर क्वालिटी वाइज कायम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वालिटी का एक नाम है हसनैन मार्बल। अच्छा सर, आपने बताया कि मुझे इस बिज़नेस में 12 साल हो गए, तो 12 साल के एक्सपीरियंस में जब आपने 12 साल पहले आपने जब शॉप ओपन करी तो उस वक्त आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी? उस टाइम ये आज से अगर पीछे चले हैं मलीर में तो खैर ये थोड़ा सा टाइम हुआ है मैं आए हुए, लेकिन ये जो काम हमने किया था तकरीबन 4-5 लाख से अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट किया, लेकिन आज माशाल्लाह आपके सामने है जो काम दुकान। और आपके अभी आपकी शॉप में कितने मालियत का माल हुआ है? यार ये तो खैर मैं नहीं बता पाऊँगा, अभी बहुत आर्टिकल लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि पहले से बहुत अच्छा है हमारे हिसाब से। ठीक है, हमारे चैनल का जो असल मकसद होता है ना, हमारे चैनल ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन के नाम से, हमारे जो चैनल का मेन मकसद होता है वो जो हजरात बिजनेस माइंड रखते हैं पर बिज़नेस कर नहीं पाते क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वजह से,
तो हमारा असल मकसद यही होता है कि हम लोगों को लो से लो इन्वेस्टमेंट में बिज़नेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन दें और उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो आपकी नज़र में ये बिज़नेस कितनी लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आप हो सकती है? ये कम से कम आपका बिज़नेस मेरे लिहाज से आपको 4-5 लाख रुपए चाहिए। 4-5 लाख रुपए के अंदर ये एक आपका किचन के कुछ आर्टिकल आ जाएंगे, आपके फ्लोर के कुछ आर्टिकल आ जाएंगे, कुछ आपके सिंक आइटम है ये आ जाएंगे, ये कि आप मार्केट में आ जाएंगे 4-5 लाख आप शॉप लेने के लिए। और फिर आपके पास आइटम जो रखा हुआ है वो इतने मनफरत इतनी क्वालिटी वाइज होना चाहिए कि आपको कस्टमर उसको देखकर उसको घामजन हो, अट्रैक्शन आएगी तो आपका बिज़नेस अवेयर करता है बस। इस बिज़नेस को रन करने में शॉप की कितनी नीड होती है, कितनी बड़ी शॉप हो जाए बिज़नेस स्टार्ट हो सके? ये शॉप तो खैर 10x8 की हो, 10x8 हो तो ये नॉर्मल होता है, 10x8 हो, 8x8 हो तो ये नॉर्मल कहलाता है। ये इतनी बड़ी शॉप आपकी होनी, क्योंकि आपको स्पेस इस काम में स्पेस आपको लाजमी चाहिए होती है, जिसमें गोदाम होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अपने वर्किंग यहाँ पर कोई काम जैसे स्टेप है उस स्टेप हम आपको यहाँ पर कम्प्लीट शॉप पर करके देते हैं, तो वो लोकेशन पर हम लोग नहीं करते हैं। तो हम एक छोटा सा एक एरिया होता है वहाँ पर टेबल लगी हुई होती है, वहाँ पर ये गोले वोले लगे होते हैं, आपने कॉलम बनाना है, आपने कोई भी करना है, तो हम छोटा मोटा काम तो शॉप से ही करते हैं। बाकी ये कि हम लोकेशन में ज़्यादा हम काम करते हैं, कटिंग हो गया, चूल्हे की कटिंग है जिस तरह, जरा सिंक की कटिंग है आपको किचन के अंदर करना है, वो सारा काम ये हम यहीं से करते हैं, या हम बोलते हैं कि अगर आप कुछ आपको लोकेशन पे करना है तो हम वहाँ जाकर भी काम करते हैं। चलें, तो अभी आपकी शॉप जो है वो रेंट पे या आपकी अपनी शॉप है? ये हमारी रेंट की शॉप है हमारी। अच्छा, तो रेंट की शॉप में आपको जो मतलब मंथली जो प्रॉफिट होता है आपका, वो आपकी नज़र में अगर ये कोई बिज़नेस करे तो अपनी शॉप लेके करे या रेंट पे लेके भी कर सकता है? अगर रेंट पे लेकर तो उसका रेंट निकालना और फिर उसका प्रॉफिट तो उतना मार्जिन नहीं रहता, तो आपकी नज़र में अगर रेंट पे लेके करे और अपनी शॉप करके करे तो दोनों में फ़र्क तो बिल्कुल होता है, क्योंकि इस पर आपके ज़्यादा पर ज़्यादा अगर कोई व्यूवर्स करना चाहे और रेंट पे लेके तो उसकी कितनी महीने की जो इनकम होगी वो कितनी बन जाएगी? लेकिन सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी अपनी जगह हो तो बहुत अच्छी बात हुई, कि इंसान को टेंशन नहीं होती कि जिस तरह भी हालात कराची के चलते थे पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किराए पे लेने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा रेट में इंसान का भी ऐसा होता है कि जब जैसे कि एक कस्टमर आया तो वो कस्टमर बनाने के लिए अपनी दुकान के लिए फिर वो सोचता है यार कस्टमर बनाओ, तो हम लोग कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि माल हम रेट टू रेट भेज देते हैं कस्टमर बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले आपकी अपनी शॉप होगी तो आपको ये टेंशन नहीं होता कि आपने रेंट देना है। आपको पता है जिस तरह आजकल रेंट चला, जिस तरह आपकी महंगाई चली है, इलेक्ट्रिसिटी का जिस तरह बिल है, तो ये चीज़ें बहुत डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा कंसर्न है, तो हमें इन चीज़ों को देखना होता है। अगर रेंट पे भी अगर लेते हैं तो इतना कोई मसला नहीं है, आप काम ईमानदारी से करें और क्वालिटी पे काम करें तो इंशाल्लाह निकल आता है, कोई मसले वाली बात नहीं है कि रेंट निकालना और फिर काम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाता है। पहले तो हम आपकी वैरायटी की तरफ चलते हैं, आपने किस तरह की वैरायटी रखी हुई है कि अगर कोई शॉप करना चाहे तो उस तरह की वैरायटी रखे तो हमारा कस्टमर अट्रैक्ट हो, तो हम आपकी वैरायटी की तरफ चलते हैं। तो मैं वैरायटी की तरफ मौजूद हूँ, मैं इनसे जानता हूँ कि अगर कोई शॉप करना चाहे तो वो किस तरह की वैरायटी रखे। तो भाई जो पीछे हमारे लगे हुए हैं ग्रेनाइट, तो ये किस यूज़ के लिए होते हैं और इसकी क्या प्राइस है, सब कुछ आप इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दें जी। ये किचन की सारे तमाम ये लोग व्यूवर्स देख रहे हैं तो ये दिखा रहे हैं कि हम ये किचन का आइटम होता है ज़्यादातर हम ये लोग यूज़ कर रहे हैं कलरफुल, आजकल तो पहले यही चलता है लेकिन अब जब से ग्रेनाइट आया उसमें कलर की बड़ी ट्रेडिशन आ गई है, आपके कलर कोई सी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चलता है ये ग्रीन वाइट है, इंडियन वाइट ये कहलाता है, ये ज़्यादातर ये चलता है। फिर आप ये आगे बढ़ देंगे वाइट आर्टिफिशियल है, ये भी चलता है। फिर सबसे पहले ये आता था अभी MLPL HT, ये ब्लैक में कहलाता है, ये भी चलता है ज़्यादातर। ये सारे किचन के आर्टिकल, ये सारे किचन के आइटम है, ये ज़्यादा चलता था साधु वाइट, ये भी बहुत अच्छा चलता था। तो ये भी आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद की मैन्युफैक्चर है। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है कि तैयार होता है पूरा कंप्लीट, और ये एक ही कॉस्ट क्या पड़ती है? ये बेसिकली ये एक चटान टाइप की एक चीज़ें होती हैं जिसको हम काट के शीट नुमा चीज़ें होती हैं, उसको हम क्या करते हैं रिफाइन करते हैं उसकी क्वालिटी को तराश कर। ये होता था आप जब ये आता है हमारे पास तो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे ये वो चीज़ें नहीं है, लेकिन इसमें मजदूरों का बड़ा क्रेडिट है, जिस तरह वो काम करते हैं, जिस तरह ये चीज़ें हैं शीटों को एक जैसा बनाकर आप लोग के सामने मार्केट में लाते हैं तो इसमें बड़ी मेहनत होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये अब ये आगे चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर जो लगा हुआ टोटल मार्बल है, ये ब्लैक एंड गोल्ड कहलाता है, ये ज़्यादातर पहले और वो वाला मार्बल नॉर्मल जो चल रहा था आजकल ये वो चल रहा है। ये इसकी प्राइस नहीं बताइए आप? अच्छा, ये साधु वाइट कहलाता है, ये 650 रुपये का है लेकिन पर स्क्वायर फीट है, लेकिन आपके चैनल कोई देख रहा है अगर आपके रेफरेंस आएगा तो हम उसको हम ये 600 रुपये का देंगे। अगर ये आप तो एज अ रिटेलर रेट बता रहे ना, एज अ होलसेलर रेट अगर कोई व्यूवर्स हमारा शॉप करना चाहे और वो रखे, क्योंकि अगर वो 600 का लेके आगे सेल कितना है तो उसको कोई बचेगा नहीं, एज अ होलसेलर रेट क्या पड़ेगा? ये होलसेल रेट पे अगर हम आपसे बात करेंगे किस हिसाब से आप क्वांटिटी भी हमसे लेंगे फिर ये कि हम आपको होलसेल रेट के हिसाब से आप क्वांटिटी वाइज वो अरेंज कर लें वो हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा वैरायटी के हवाले से बताते हैं। चलो ठीक है मैं आता हूँ, मैं रेट भी आपको मेंशन कर, ज़्यादातर ये चलता है हमारे पर आर्टिफिशियल, ये
ये वेरोना की जस्ट लाइक जैसे कि वेरोना के कलर होते हैं ये उसी में ही ज़्यादातर ये चल रहा है। ये 1300 रुपये स्क्वायर फीट के लाता है। अब ये चेरी पिंक है इसके अंदर ये ज़्यादातर ये जैम वाला चलता है, ये ज़्यादातर अभी भी ये चल रहा है, पहले से ज़्यादा टफ है। ये हम दे रहे हैं 950 रुपये स्क्वायर फीट। ये आप आर्टिफिशियल वाइट के ऊपर आप आ जाएँ, आर्टिफिशियल वाइट आपको पड़ेगा 1300 रुपये स्क्वायर फीट। एमरल्ड पर्ल एचडी पे अगर आप आ जाएंगे ये 1350 रुपये स्क्वायर फीट है। सादो वाइट पे अगर आप आ जाते हैं, सादो वाइट ये बहुत अच्छा है, ज़्यादातर ये आपने ज़्यादातर देखा हो भेजा। ज़्यादा मार्केट में डिमांड किस ग्रेनाइट की सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी मार्केट में? ब्लैक जेट होता है ग्रेनाइट के अंदर, ज़्यादातर वो चलता है। नहीं, वो दूसरा भी एक सिंपल होता है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा, वो ज़्यादा वो चलता है। फिर साडो वाइट ज़्यादातर आपने भेरिया टोन में और ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादातर ये चलता है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये चलता है। फिर उसके ऊपर आपको लेके चलूँगा मैं ये मार्बल के ऊपर, जो सबसे अच्छा इस टाइम तक जो चल रहा है मार्बल, क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है लेकिन कुछ लोग जो लगा चुके हैं वो इस पर ज़्यादा क्वालिटी पर निसार करते हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट है, ये हम 350 रुपये स्क्वायर फीट देते हैं। ये चीज़ें अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ, जिस तरह जिसका आप पूछ रहे थे। चलें, तो अब मैं दोबारा उसी जगह पे मौजूद हूँ, मैं इस वाली ग्रेनाइट की तरफ इंफॉर्मेशन हासिल करूँगा और उसकी क्या प्राइस है और उस पर हम कितनी अगर इन्वेस्टमेंट करके इस पर हम कितनी जो हमारा प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। तो सर आप एक एक करके बताते रहें कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और उसकी अमाउंट क्या है। अच्छा, ये ब्लैक जेड नाइट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये ब्लैक वाला ये आजकल ग्रेनाइट बहुत चलता है। तो आसाइश ये तकरीबन जो मैंने पूछा था इसकी ज़्यादा डिमांड इसकी ये वही ब्लैक वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर चलता है, किचन में चलता है, स्टेप में भी चलता है क्योंकि ब्लैक है, इसका कंट्रास्ट भी बन जाता है। लेकिन ये आजकल इसकी मार्केट बहुत डिमांड है, ये चल रहा है 600 रुपये स्क्वायर फीट चला रहे इसको। अगर आपके रेफरेंस अगर कोई हमारे पास आता है उसको हम 550 रुपये स्क्वायर फीट देंगे। पर एक रिक्वेस्ट है, आप होलसेलर रेट भी बताते रहें ताकि व्यूवर्स का एक माइंड बनता है कि कोई बिजनेस इस बिज़नेस में आना चाहे तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट करे। आपने इन्वेस्टमेंट तो बता दी पर एक माइंड बना के वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है ना, तो आप हर किसी का रिटेलर रेट भी बताते रहें और होलसेल रेट भी बताते। ये आपको पड़ेगा 520 रुपये होलसेल रेट है इसका, 550। आप इसके अंदर 80 से 100 रुपये का मार्जिन होता है, इतने का मार्जिन रखते हैं ज़्यादातर। आप आजकल ये ब्लैक चल रहा है, ज़्यादातर घरों में भी चल रहा है, हर जगह इसकी वैनिटी भी वॉशरूम में जो आजकल चल रही है जिसमें आप कलरफुल ट्रेडिशन देखते हैं उसमें ज़्यादातर ये चलता है, ब्लैक ज़्यादा ही चलता है। उसके बाद आ जाए ट्रॉपिकल ग्रेप है। अच्छा, ये आप ज़्यादातर इसकी स्पेशलिटी है किचन के भी, ये मेरे काउंटर भी आप देखेंगे, मेरे काउंटर भी इसी के बने हुए हैं, तो ये मुझे खुद भी बहुत पसंद है। किचन के अंदर भी चल रहा है, स्टेप के अंदर भी चल रहा है, वैनिटी भी इसकी बन रही है। ये वो है कि जो जिनका बजट कम होता है हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप ट्रॉपिकल ग्रे लगाएं, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, इसके कलर बहुत अच्छे हैं। मेन चीज़ ये अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है, लाइट कलर जो वॉल पे हुआ होता है घरों में उस घर के अंदर ये बहुत जाके अच्छा लगता है, सूटेबल होता है। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, ये वाइट हम दिखा रहे हैं सारे, ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये भी ब्रांड लगा हुआ है इसके बराबर में, सादो वाइट जो पीछे लगा हुआ था वो भी मैंने आपको दिखाया। इस तमाम तर ये जितने भी चार आर्टिकल लगे हुए हैं ये सारे 1000 रुपये स्क्वायर फीट हैं। ये होलसेल रेट पे हमें पड़ता है 950-930 रुपये का, हम 70-80 रुपये का हम इस पे रखते हैं कि 70 इसमें 100-120 रुपीज़ का मार्जिन है पर अलहमदिल्ला मिल जाए। बाकी इसमें मजदूरी का मार्जिन होता है इसके अंदर कि हम जैसे कि अगर आप हमें बोलते हैं कि हमारे 7-7 फीट के दो काउंटर हैं तो उसके अंदर एक फिक्सिंग के हम पैसे चार्ज करते हैं 1000 रुपये। उसके अंदर होता है ये कि हम उसको फिक्सिंग का गोले जो लगे, आजकल आपने देखा कॉलम भी चल रहा होता है, कोई गोले बनाए हुए होते हैं खूबसूरती के लिए, किचन में खूबसूरती आ जाती है, उसके चार्जेस अलग होते हैं। ये है कि आपको फी किचन में आपको 3-4 हज़ार रुपये ईजिली आपको एक किचन पर मिल जाते हैं, कि एक मज़दूर तबके के लिए 3-4 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। एक किचन भी अगर आप रोज़ पकड़ते हैं अगर करने के दुकानदार अगर देता भी हम उसको 3 हज़ार रुपये तकरीबन 4 हज़ार रुपये हम, तो मज़दूर भी आपने रखे हैं? हाँ, मज़दूर भी हमारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। हमारे पास 4-5 इसमें हमारे पास जो ऑलरेडी एक हमने मेजरमेंट का एक्सपर्ट रखा हुआ है, जैसे आपने कोई हमें ऑर्डर दिया तो हम अपना एक्सपर्ट को भेजते हैं, वो मेजरमेंट जाके लेके आता है, फिर हम उसका बिल बनाते हैं कि आपका इतना स्क्वायर फीट बन रहा है। फिर हमने फिर 4 बंदे ऐसे रखे हुए हैं जो सिर्फ साइडों पर जाते हैं, उसको फिर हम जाके फिर वो काम को देखना, फिर शाम में मैं खुद लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कि हाँ कैसा काम है, लोगों की चीज़ें हैं। हमारा हसनैंड मार्बल का एक पेज भी है, उस पर हम कमेंट सारे डालने होते हैं, चीज़ें भी आप लेटेस्ट है वो भी हम चीज़ें कर रहे हैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा। अरे सर, अगर जिसने नई नई शॉप करी हो तो उसको कितने वर्कर की नीड होगी कि वो इतने वर्कर रखे हो तो उसका जो बिज़नेस है वो ईजिली रन कर सके? आपको शॉप नहीं खोलते तो आपको 3 बंदों की एक्चुअली ज़रूरत होती है, एक आपको कारीगर की ज़रूरत होती है, एक उसके हेल्पर की ज़रूरत होती है, एक जो यहाँ से अगर ऑर्डर आता है आपके पास। लेकिन आपका कारीगर है तो उसकी मंथली सैलरी क्या होगी? कारीगर जो कारीगर की बात कर रहे हैं आप या मजदूर की बात कर रहे हैं? मजदूर की सैलरी क्या होगी? मजदूर का डिफरेंट है, 1000 रुपये भी है, 800 रुपये पर डे है, उसका हिसाब से हम उसको चार्ज करवाते हैं हम। और एक जो कारीगर होता है जो मेजरमेंट वगैरह करता है उसकी मंथली सैलरी क्या बैठी? वो पर डे पे हमारा हिसाब करते 2500-3000 रुपये हमने उसको रखा होता है, वो उसका एक दिन का होता है। ये माशाल्लाह अच्छी होती है इनकम के आप घर चलाने के लिए, ये कोई इतनी छोटी रकम नहीं है, 2500-3000 रुपये जो बंदा कमाता हो तो माशाल्लाह कैसा कारोबार होगा आपके सामने ये।
चले तो अब दोबारा वैरायटी की तरफ चलते हैं। हमारी थोड़ी सी वैरायटी बाहर की रह गई, तो आपने जो डिस्प्ले पर लगाया है उसको भी कवर कर लेते हैं ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक इजीली पहुंच सके। हाँ मौजूद हूँ, जिन्होंने बाहर के लिए डिस्प्ले पे जो सामान रखा हुआ उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लूँगा कि ये किस वर्क के लिए यूज़ होते हैं। सर ये क्या है? ये भी ये आर्टिफिशियल है, ये सारे ग्रेनाइट ही आर्टिफिशियल कहलाते हैं। ज़्यादातर ये किचन में काम आता है, ये वैनिटी के अंदर भी काम आता है। ये कलरफुल होते हैं अट्रैक्शन पे जो आपने देखा होगा ज़्यादा। प्राइस सारे डिफरेंट है। ये 1600 रुपये स्क्वायर फीट है सारे, ये सारे 1600 जितने भी हैं सारे। ये 1, 2, 3, 4 ये 5 आर्टिकल 1600 रुपये। बाकी ये एमएलपीएल एचटी ब्लैक वाला जो अंदर दिखा था ये उसका इफेक्टिवल वाला, ये 1350, ये 1350, ये तमाम ये तीन आर्टिकल लेगा 1350 रुपये स्क्वायर फीट के साथ। ये मार्बल की तरफ चलते हैं, मार्बल की क्या रेट्स वगैरह हैं उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन ले। जी ये वाला मार्बल हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? ये फ्लोर पर ज़्यादातर लगता है चाइना विरोना जो आजकल ज़्यादा चलता है, वो चाइना विरोना स्पॉट वाला है। ये चाइना विरोना माइक्रो है, ये चाइना विरोना क्रिस्टल है, ये फैंसी कमांडो है, ये तरवेला क्रीम है, ये तरवेला नॉर्मल वाला है, ये तरवेला आपका विरोना आपका स्पॉट वाला कहलाता है। 4800 रुपये स्क्वायर रनिंग फिट के हिसाब से होता है। ये माइक्रो आपको पड़ेगा आपको 75 रुपये के हिसाब से। गैलेक्सी आपको ये रिटेलर रेट है, ये आपको 95 रुपये पड़ेगा। फैंसी कमांडो आपको 75 रुपये का पड़ेगा। तरवेला आपको 55 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ये कि इसमें होलसेल का फ़र्क, रिटेल का फ़र्क 5 रुपये का, मतलब मार्बल में आप 5 रुपये का फ़र्क होता है 5 रुपये का बस। इसमें क्योंकि इसमें क्वांटिटी होती है ना, अभी कोई भी मार्बल लेगा वो 5000, 2000 फिट, 3000 फिट तो आपको 5 रुपये मिलते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे खर्चे एक्सपेंस निकल जाते हैं इसमें, वो मसला नहीं है। चले तो व्यूवर, जैसा कि मैंने आपको इस बिज़नेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपको भी इस तरह की अपने बिज़नेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन देनी हो हमारे व्यूवर्स को, तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें। और मेन भाई का भी नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर चल ही रहा होगा, वो मैं आपको दे दूँगा ताकि कोई अगर शॉप करने के लिए रब्ता करना चाहे तो वो ईज़िली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।